बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर पर है। इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर और नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इन दिस स्ट्रक्चर मल्टीपल कंडीशन एंड मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन। When the given condition is true, the statement associated with the condition are executed. बड़े सिंपल सी बात है। नेस्टेड इफ में तो ये था, कोई एक स्टेटमेंट उन दोनों कंडीशन, कंडीशन एक से ज्यादा थी लेकिन स्टेटमेंट का ब्लॉक एक ही था। यहाँ कंडीशन ज्यादा होती है तो आपकी जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी ज्यादा होती है। जो कंडीशन ट्रू होती है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इफ कंडीशन ब्लॉक वन, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक टू, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक एम एल, यानी जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग जो है एल्स इफ के बाद यहाँ मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और पॉसिबिलिटी है कि कोई कंडीशन भी ट्रू ना हो, तो जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जो भी लास्ट एल्स के बाद कोई कंडीशन हम नहीं अप्लाई करते, लास्ट एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट मौजूद होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इज इट क्लियर? Working of if else structure. The if else if structure is executed as follows. The condition in the structure are evaluated in the given condition until a true condition is found. जब तक condition true found नहीं होती, वो next condition पर move करता रहता है. When the true condition is found, the statement associated with that condition are executed. All remaining conditions are skipped. यानी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, फिर अंडरस्टूड है वो किसी और कंडीशन को तो चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगी वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसका फ्लो चार्ट होता है, कंडीशन ट्रू है उसे एग्जीक्यूट करेगा और वहीं से बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा। अगर ये ट्रू हो गई तो वो उसे एग्जीक्यूट करके उससे बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वो नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एट द एंड जो ब्लॉक एन है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर एक नंबर इनपुट करना है और बताना है वो नंबर जो है जीरो से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, तो अंडरस्टूड है। अगर जीरो से बड़ा है तो ये प्रिंट एल्स इफ कंडीशन, और दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एट द एंड वो नंबर क्या है, जीरो है। तो ये था आपका इफ एल्स इफ की जो इफ एल्स इफ के जरिए हम ये ग्रेड्स फाइंड करने वाला प्रोग्राम भी बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरह के कोई प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपको बोर्ड पे ये डिटेल में समझ जा दूंगा, ताकि इस तरह तो या प्रैक्टिकली से हम समझ लेंगे। थैंक यू सो मच। अल मुस्तफा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।